हाँ, तो सारे लोग अच्छे हैं। और अपनी जो बात चल रही थी प्रीवियस लेक्चर में, अपन ने बेटा जो बात करी थी सैटरडे के लेक्चर में, हमने जो बात करी थी वो बात किस पर थी? तो हमने कहा था कि सर हमारा जो CFT है वो CFT चल रहा था। CFT में हमने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वेयर प्लेनर जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सबकी बात वन बाय वन जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने उनका कंपैरिजन भी देख लिया था, स्प्लिटिंग के इफ़ेक्ट उसमें क्या आते हैं वो भी हमने चेक कर लिए थे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि CFSE उसकी भी बात कर ली थी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं टेट्रा में और कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्टा में, उसकी भी अपनी बात हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्रोमियम प्लस टू और Fe प्लस टू जो है वो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। ये NCERT का डी ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है जहां पर हमें डिस्कशन करना होता था, तो वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दोनों के दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बट उसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था। तो आपने कहा था कि सर आपका CR+2 जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां तक की बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करी थी, सैटरडे तक हमने करी थी। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, मैंने पूरी बातें बता दी है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो वो बता सकता है, अदरवाइज हम लोग जो है वो लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी बता दो, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आ गया? जल्दी बोलो भाई, थोड़ा सा जल्दी बोले, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है बेटा? नहीं है। चलो सर इवनिंग वाली क्लास में क्या चल रहा है? अरे बेटा ये यहाँ पूछने की बात है, चलो बता देते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उसका पहला लेक्चर हुआ था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो लेक्चर आधा ही हुआ था, है ना, आधा ही हो पाया था 30-40 मिनट का, ठीक है। तो चलो हाँ भाई, तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिएगा क्लास को आगे लेके चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सुनते जाना और समझते जाना, बहुत ही आसान चीज़ों को आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखना आज का जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग जो है वो CFT और उसके एप्लीकेशंस जो हैं और उन सब पर क्या करेंगे, चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है बेटो। तो ध्यान से सुनना, आज का जो पॉइंट है वो क्या है? तो आपने कहा कि सर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, ध्यान से सुन लेना क्या है, कि विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। बी केयरफुल, हेडिंग देख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि विपाटन जो होता है, स्प्लिटिंग जो होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। दरअसल हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो होता है एक CMI होता है, और CMI में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? तो आपने कहा कि आप लोगों का जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल क्या है, प्रेजेंट है, और डी ऑर्बिटल में क्या है, तो आपने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक डी ऑर्बिटल में चार लोब होती है और चार लोब के साथ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों का जो लिगेंड इसके पास आएगा वो लिगेंड है, और ये लिगेंड का क्या है बच्चों, लोन पेयर। आप लोग एक बात जानते हो क्या, कि सर CMI और जब लिगेंड एक दूसरे के क्लोज आते हैं, यानी कि लिगेंड जब CMI को अप्रोच करता है तो वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दो टाइप के फोर्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो पहला फोर्स ये क्या होता है, तो आपने कहा कि लिगेंड के लोन पेयर पर CMI का न्यूक्लियस क्या लगाता है, अट्रैक्शन। तो यहां पर बच्चा जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं कि डी इलेक्ट्रॉन और आप लोगों का लोन पेयर जो है किसका, तो आपने कहा लिगेंड का, इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा है, तो आपने कहा कि सर वो फोर्स आपका रिपल्शन फोर्स है, क्लियर है। यहां पर हमारी इतनी बात पहले भी हो रखी है। अब देखो सर ये बात करने का मतलब क्या है, रीजन क्या है वो सुनना। यहां से स्प्लिटिंग का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोग बता सकते हो कैसे, तो सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि इफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुनना भाई जो बात आने वाली है, इफ अट्रैक्शन बिटवीन CMI एंड लिगेंड,
CMI और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन है बेटा उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। ध्यान से सुनना, ये CMI ये लिगेंड दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। दोनों के बीच में आकर्षण क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तुम जानते हो कि अगर किसी किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो उन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो क्या यहां पर ऐसा मेंशन कर सकते हैं क्या कि सर डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन CMI एंड लिगेंड क्या कर जाएगा बच्चों, तो अपन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान से सुन लेना जो बातें लिखी जा रही है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो आप लोग क्या बोलोगे कि दोनों के बीच की दूरियां क्या हो गई, कम। डिस्टेंस क्या हो गई, कम। दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के क्लोज। जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ध्यान से देखना भाई अगला पॉइंट जो है, दोनों जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये लोन पेयर और ये डी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ध्यान से सुनना क्या बोला, ये लोन पेयर कौन सा, डी इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर कौन सा, लिगेंड का, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज। और तुम एक बात जानते हो कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज करता है तो रिपल्सिव फोर्स भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि रिपल्सन, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाले हैं कि सर रिपल्सन बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या करेगा, इंक्रीज। ये बात क्लियर है, आसान है एकदम। क्या बोला, अगर यहां पर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करता है, डिस्टेंस डिक्रीज करता है तो डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच का, डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो क्या करता है बच्चा, इंक्रीज करता है। क्लियर है। अब सुनो यार कि अगर रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो एक बात बताओ ध्यान से कि आपका जो डी ऑर्बिटल था, वो जो पांच डी ऑर्बिटल थे, जो पांचों के पांचों डी जनरेट थे, अगर उनको यहां पर एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो क्या उनमें स्प्लिटिंग होगा क्या? बिल्कुल सर। तो अपन क्या बोलते हैं कि स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर दो तो तुम क्या बोल दोगे कि अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो आप लोग क्या कह सकते हो कि सर आप लोगों का जो स्प्लिटिंग है, विपाटन है, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और बेटा एक बात बताओ कि डी ऑर्बिटल के बीच का स्प्लिटिंग विपाटन बढ़ता है तो उनके बीच का एनर्जी गैप भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर दोनों के बीच का एनर्जी गैप इंक्रीज करता है तो वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अपन यहां पर क्या कह देते हैं कि ऐसे केस में आप लोगों का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, विपाटन ऊर्जा है, वो भी क्या कर जाती है, तो आप लोग क्या कहते हो, इंक्रीज कर जाती है। और इसी के बेसिस पे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जितने भी यहां पर प्रॉब्लम्स आते हैं सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यह तो होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट लगे तो बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, अगर कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन बोल देना। जल्दी करें सर, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपको समझाया जा रहा है कि स्प्लिटिंग जो है वो कैसे रेज करता है, कैसे उसमें इंक्रीमेंट होता है, कैसे चीजें बदलती है और कैसे हम लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं। जल्दी कीजिएगा सर। हो गया हुई? होते ही सर डन बोल देना। चलो सर डन, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है सर? तो आपने कहा कि सर ये रहा, बस अब देखना सर क्या क्या इसको अफेक्ट करने वाला है और क्या क्या उसको चेंज करने वाले हैं हम उसमें, वो सुनना। देखो सर, पहला पॉइंट जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करता है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है बेटा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग क्या कह रहे हो कि स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि डेल्टा, स्प्लिटिंग एनर्जी इट मींस क्या बात चल रही है, डेल्टा की बात चल रही है। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि फैक्टर नंबर वन की बात करते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी का सबसे पहला पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि सर एक CMI है और CMI के साथ कौन है, तो आपने कहा कि लिगेंड। अब आप एक बात देखो कि ये जो CMI है, इस CMI पर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दो, बढ़ा दो। बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये जो कमिंग लिगेंड है इस पर अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से सुनना,
अगर सीएमआई पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आप लोगों का जो आने वाला लिगेंड है, कमिंग लिगेंड है, उस पर अट्रैक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और बच्चों अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज। तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। ये बात हमने अभी चेक की है। तो पहला पॉइंट अपन क्या बोलेंगे कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, तो आपने क्या बोला बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑन CMI, यानी कि आपका जो CMI है, सेंट्रल मेटल आयन जो है, उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। यहां पर एक सिंपल सा कंपैरिजन देखने को मिलता है, एग्जांपल की फॉर्म में यहां पर लेकर चलता हूं, एग्जांपल नंबर वन या फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर देखना, यहां पर आपको मिला है FeCN Hall 6 और चार्ज कितना है, चलो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, K4FeCN6, और दूसरा कौन सा है बेटा, K3FeCN6। क्लियर है? ये दोनों कॉम्प्लेक्स दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वो बोलता है कि बताओ सर स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू कैसा होगा। तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका +2 आएगा और बेटा इसका +3 आएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या आएगा, उसका स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा। बहुत सिंपल। चलो अगले एग्जांपल पर, अगला एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है, CO H2O Hall 6, चार्ज कितना है बच्चों, +3, और यहां पर भी क्या है, CO H2O Hall 6 और चार्ज कितना है बच्चों, +2, और मेरे को कह रहा है बताओ स्प्लिटिंग एनर्जी, ये +3, ये +2, तो सेंट्रल एटम पर चार्ज कितना है, +3 और +2, क्यों, क्योंकि H2O कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर ये कैसा आएगा, तो आप लोग बोल दोगे ऐसा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा कि निकल का कॉम्प्लेक्स है, F6 है, 6-फ्लोराइडो लिगेंड है, और यहां पर चार्ज कितना है, -2, और यहां पर क्या है, NiF6, और यहां पर चार्ज कितना है, -4। ये दो कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, आपसे कहता है कि सर बताओ स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। सिंपल, ये देखो -2, ये -1 होता है, तो इस पर कितना आएगा बेटा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना आएगा, +2 तुम्हारे सामने है। तो तुम क्या बोलोगे, जहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, उतना ही ज्यादा। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो अगले पॉइंट पर चलते हैं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा सिंपल पॉइंट है, सिंपल वे में आप समझ सकते हो। अगर कोई भी डाउट लगे तो फटाक से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसको हम लोग रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। हो गया भाई स्क्रीनशॉट, जैसे ही तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो, डन बोल के काम को खत्म कर दें, ताकि हम आगे बढ़ पाए। हो गया भाई, चलो डन सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें हम लोग जो है वो कई चीजें देख चुके हैं, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे हमने बात करी थी। अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। चार्ज के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों आने वाला है वो क्या है, वो देखना। नंबर टू पर अपन बात करते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो और किस पर डिपेंड करता है। आपको याद होगा हम लोग ना लिगेंड का क्लासिफिकेशन लेके चले थे, एक को बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे को बोला था वीक फील्ड लिगेंड, याद आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL के बारे में मैंने कहा था कि ऐसा लिगेंड जो CMI के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और WFL क्या था, जो आपकी CMI के साथ वीक बॉन्ड बनाता था। क्लियर है? अब सुनो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, जो लिगेंड मेटल के ज्यादा क्लोज आएगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और जितना ज्यादा क्लोज आएगा रिपल्शन डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में उतना ज्यादा लगेगा। और आप लोग क्या बोल दोगे कि सर उस केस में आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, हायर होगा। पहले वाला जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था ना, सब कुछ उसी पर बेस्ड है बच्चों। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर डेल्टा जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी कि आप लोगों का जो लिगेंड होता है उस लिगेंड की स्ट्रेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना क्या आएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? चलिएगा एग्जांपल चेक करते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हो, जैसे
जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि सर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, आपने कहा कौन सा, तो मैंने कहा COF6-3, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है कौन सा, CO, और मैं यहां पर कह देता हूं NH3 + 6, और चार्ज कितना है बेटा +3। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, CMI। CMI चेक करने जाओगे बेटा, दोनों में CMI क्या है, सेम। ध्यान से सुन लेना रे, दोनों में CMI क्या है, सेम, ठीक है। इस CMI का चार्ज देखो, इसका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, +3। बच्चा इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, +3। सर CMI का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, क्लियर है। अब आ जाओ, अब किसको देखोगे, लिगेंड को। बच्चा अब लिगेंड को देखोगे तो यहां पर लिगेंड कैसा है, WFL, और यहां पर लिगेंड कैसा है, SFL, क्लियर है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे कि ऐसे केस में सर आप लोगों का लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेरी सिंपल। चले आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिएगा, ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर कहा COCl6 -3, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने बेटा यहां पर कहा CO H2O + 6, कितना बेटा +3। उसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं किसको, तो आपने कहा CONH3 + 6, चार्ज कितना +3, और यहां पर मैंने कहा CO CN + 6, और चार्ज कितना बेटा -3, और मैंने कहा कि सर यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू बता दो, क्या बता दो, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू बता दो, ठीक है। इस बार हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेज मिले हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि देखो सर सब में CMI कौन है, सबसे पहला काम CMI देखना है, सब में CMI कोबाल्ट है, सब में सेम है। अब CMI का क्या देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर। आपने क्या देखा कि सर ये +3, बेटा ये भी +3, बेटा ये भी +3, और बेटा ये भी +3, क्लियर है। बात पल्ले पड़ गई, क्यों आया, ये हमें लिगेंड के बेस पे पता चलता है। Cl-1 होता है, H2O न्यूट्रल, NH3 न्यूट्रल, और ये क्या है, -1 है, क्लियर है। अब देखो, कई बार बच्चा क्या करता है, कई बार बच्चा जो है वो चीजें मिसप्लेस कर लेता है। कैसे, वो बोलता है कि सर इसके ऊपर यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है तेरे लिगेंड पर, कि अंदर बैठा हुआ लिगेंड कैसा है। न्यूट्रल है, डजंट मैटर, न्यूट्रल है तो देख सकते हो आप लोग जो है वो सेम है, लेकिन अगर आपका एनायनिक लिगेंड या कैटायनिक लिगेंड होता है तो चीजें क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब हम लोग लिगेंड को देखते हैं, ये हैलोजन, ये कैसा है, ऑक्सीजन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर, ये कार्बन डोनर, सिखाया है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कार्बन डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद आपके ऑक्सीजन हैलोजन वगैरह पड़े रहते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर ऑर्डर कैसा आ जाता है, तो आप लोग क्या कह देते हो कि सर ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट लगे तो बताओ, जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट खींच दे ताकि हम लोग टॉपिक को खत्म कर लें भाई। छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं अब कोऑर्डिनेशन में, और सबसे खतरनाक टॉपिक इसके अगले लेक्चर में आएगा, आइसोमेरिज्म। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि स्क्रीनशॉट डन हो चुका है। अरे तुम्हें कोई डाउट नहीं आता क्या बे, डन के अलावा और कुछ भी बोलना होता है तुम्हें, तुम लोगों को डाउट नहीं आते क्या रे, हैं भाई, मास्टर पढ़ा रहा है, ठीक है। मास्टर ने बोला कि बेटा ऐसा हो गया, ठीक है, मास्टर ने बोला बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, डन बोल दो, बोल दिया, आगे चलो चलो। अबे तुम्हें डाउट नहीं आते क्या बे, कोई समस्या मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती क्या यार, मास्टर ऐसा कैसे हो गया बे, बता ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे माइंड में मतलब दिमाग में कोई मतलब ऐसे डाउट क्रिएट नहीं होता क्या, कोई डाउट स्ट्राइक नहीं करता भाई, मास्टर के द्वारा बताई गई कोई भी ऐसी बात, मास्टर के द्वारा बताई गई ऐसी कोई भी बात आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं करती क्या। कविता लिखती है, लेस स्टडी लेस डाउट, बहुत बढ़िया बेटा, सुगली बात, हाँ बोला लेस स्टडी लेस डाउट, वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे छोरे, रेप्टा खाने के काम करती है तू। हाँ, डाउट तब आएगा मास्टर जी जब हम खुद एक या दो बार करके देखेंगे, बहुत बढ़िया बेटा सोहेल,
एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करवा रहे हो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वाह बेटा क्या बात है, इनऑर्गेनिक में डाउट नहीं पूछते उसको रट लेते हैं। अबे गधे प्रदीप, अबे मैंने रटने का बोला कहीं पे भी? समझा के चल रहा हूं। शाहरुख बोल रहा है 100% विश्वास है आप पर। ओहो विश्वास है, इसमें कुछ खास है, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, चले फिर आगे। अरे चला, बिल्कुल चलो बेटा अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो देखो क्या होता है कि यार अगर हमें कोई डाउट नहीं आ रहा है, अगर हमें कोई डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब या तो हमें पहले से बहुत कुछ आता है, दूसरा या हो सकता है कि भाई आपको सारी पढ़ाई गई बातें समझ में आ गई होगी और मास्टर इतना बढ़िया पढ़ा रहा है कि आपको बस देखते ही सब चीजें क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब ना तो तुम इतने टैलेंटेड हो ना मैं इतना टैलेंटेड हूं, तो फिर डाउट तो आने चाहिए ना यार। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, इस बार ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट आने वाला है नंबर तीन जो है बेटा वो क्या है। तो अपन कहते हैं कि सर आप लोगों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप लोगों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि बेटा जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। बी केयरफुल सुनना, जेड इफेक्टिव कैसे चेंज होता है, कैसे वो उसको अफेक्ट करता है, इस बारे में आप लोग चाहो तो पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो देख सकते हो, उसमें जेड इफेक्टिव जो है वो भर भर के पढ़ाया हुआ है। कम से कम एक डेढ़ से दो लेक्चर जो है वो जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जेड इफेक्टिव जो है वो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे अफेक्ट करता है। यार है ना, अपन क्या कहते हैं, जनरली अपन कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पर, आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लगा रहा है वो क्या है, जेड इफेक्टिव है। अपन जनरल बोल देते हैं बट ये बात ट्रू नहीं होती, ये आप भी जानते हो। अपन क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट करता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट करता है वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है। तो वो कैसे वैरी करता है सुनना, मेरे पास क्या है 3D सीरीज, ध्यान से सुनना भाई, 3D सीरीज का CMI है, ठीक है। इसके बाद बच्चा मेरे पास कौन सा है, 4D सीरीज का CMI है। उसके बाद बच्चा मेरे पास क्या है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर 5D सीरीज का CMI है, ठीक है। 3D सीरीज का CMI है, 4D सीरीज का CMI है, 5D सीरीज का CMI है, मतलब मैं डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ठीक है। आया, अपन क्या कह रहे हैं कि जब यहां से यहां तक जाते हैं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर देखो 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं तो D एंड F इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या बोला, D एंड F इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और तुम जानते हो कि D इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर क्या होता है, पुअर, और F इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर क्या होता है, नेग्लिजिबल। मतलब शील्डिंग का मतलब क्या होता है, बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। D की पावर बहुत कम होती है, F की पावर बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर पुअर शील्डेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पुअर शील्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो, ऐसे केस में जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। बच्चा एक बात बता, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो लिगेंड आ रहा है उस लिगेंड पर अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा। और अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो तू क्या बोलेगा, स्प्लिटिंग क्या होगा बेटा ज्यादा। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि आप लोगों का स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है वो जेड इफेक्टिव के बच्चों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल है, आसान है। 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं तो क्यों होता है ऐसा, तुम्हारे सामने है। अब सुनना बच्चों अगली बात। अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से सुनना। आप लोग देखोगे NiCl4-2, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा नहीं, इसके नीचे जो आता है वो पैलेडियम, इस पर कितना बेटा -2, और यहां पर कौन आता है प्लेटिनम, और इस पर कितना है बेटा -2, और मेरे को बोल रहा है बता स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो अपन क्या कहते हैं, देखो सर इस पर चार्ज +2, इस पर चार्ज +2, इस पर चार्ज +2, सही है, चार्ज सेम है,
लिगेंड सेम है, अब क्या देखोगे जेड इफेक्टिव, निकल 3D का बेटा ये 4D का बेटा ये 5D का, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग क्या होगा बढ़ेगा, ऑर्डर कैसा आएगा ऐसा, सिंपल वेरी सिंपल। अगला पॉइंट सुनना, अगले एग्जांपल पर चलता हूं। अगला एग्जांपल जो है वो कौन है बेटा, आयरन। अगला एग्जांपल कौन है, आयरन। आयरन उसके बाद कौन है, रुथीनियम। रुथीनियम के बाद, रुथीनियम के बबाद कौन है बेटा, ऑस्मियम। कौन है बेटा, ऑस्मियम। और आप लोग क्या कह रहे हो कि इन पर चार्ज कितना है, +3। और आप लोगों के पास क्या है, तो आपने कहा स्प्लिटिंग एनर्जी बताना है। क्या बताना है बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी। ये देखो बेटा, ये 3D सीरीज बेटा, ये 4D सीरीज और बेटा ये 5D सीरीज। 3D 4D 5D पर जा रहे हो, 3D 4D 5D पर जा रहे हो, स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। वेरी सिंपल, नोट करें फटाफट, स्क्रीनशॉट मारें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, और कोई दिक्कत लगे तो बताओ। दिक्कत आपको नहीं आएगी, दिक्कत मुझे है। मैं बात करूंगा अभी एक क्वेश्चन की, इस पर एक क्वेश्चन की बात करने वाला हूं मैं। हो गया भाई, जल्दी बोल दो बेटा, जो तुम्हारे रटे रटाए जवाब हैं, डन डन, चलें सर, चलो, यस सर, वो वाले, जल्दी बोलो बेटा, हो गया काम। अरे हो गयो काम, चला प्यारे बच्चों, चलें चलेंगे, चलो सर, बहुत अच्छा बच्चा, चलते हैं आगे, डन सर, बहुत बढ़िया, यस सर। चलिए सर, अब एक काम करते हैं, आप लोग एक काम कीजिएगा, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 गिनती सुन लेना, काउंटिंग सुन लेना, 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। नाम दे देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आपको इन 6 मॉलिक्यूल्स का, इन 6 कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आपके पास टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट भी ज्यादा दे रहा हूं, टाइम इतना नहीं होता, फिर भी 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कीजिए, ऑलमोस्ट 20 सेकंड के आसपास मिल रहा है एक का, जल्दी बताएं भाई। 6 स्पीसी हैं आपके पास, और इन 6 स्पीसीज के क्या बता दो बच्चा, क्या बता दो, क्या बता दो, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बता दो, हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बता दो भाई, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन बताना भाई, टाइम नहीं लगाना है। जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन बता दो बेटा, आपका टाइम शुरू हो रखा है मात्र 2 मिनट का। आपका टाइम चालू है बेटा, घड़ी टिक 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 आगे बढ़ रही है। आप लोगों को ये बताना है कि इनके आंसर क्या है। 6 स्पीसी आपको दे रखे हैं बोर्ड पर मैंने, और इन 6 के 6 के हाइब्रिडाइजेशन आपको बता देने हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का, वेट कर रहा हूँ भाई, जल्दी करें, जल्दी करो भाई, है ना, समय की कीमत को पहचानो, समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल है। एक आंसर आया है पहले में sp3, ओके बेटा, इतनी देर से एक ही जवाब आया है, चलो अच्छा, ऐसा लगता है बच्चे 6 के 6 आंसर एक साथ देंगे, 6 के 6,
छः के छः एक साथ होंगे। सेकेंड और थर्ड में DSP2, बहुत अच्छा बच्ची, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। सेकेंड और थर्ड में DSP2, हाँ भाई। चलो पहले तीन के जवाब आ चुके हैं, SP3, DSP2, DSP2, बहुत अच्छा बच्चा, जल्दी बताएं भाई। अरे जल्दी बताओ भाई, दो मिनट का टाइम खत्म होने पर है, चलूं क्या फिर मैं? अभी तक जवाब नहीं आया, तुम्हारे जवाब के इंतजार में खड़े हैं भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कविता, फर्स्ट सेकंड थर्ड DSP2। हाँ भाई, कविता का जवाब आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्या है बेटा DSP2, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। इतना टाइम नहीं होता है भाई, इतना टाइम नहीं होता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दो तीन जवाब और आ गए हैं। प्रदीप, 1, 2, 3 में DSP2। ये कोई नई बच्ची हो गया बेटा आप, करीना डूडी, 1, 2, 3 में SP3। आज ही बैठे हो गए बेटा क्लास में आप, अच्छा। हाँ, प्रेम स्वामी, 5 और 6 में D2 SP3। प्रज्ञा, करीना, यस सर, ओके बेटा, समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको? हाँ, प्रज्ञा चिंपा, फर्स्ट में SP3, सेकंड और थर्ड में DSP2, फोर्थ में SP3। अरे रे 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 प्रज्ञा बेटा, चलो मान ले पहले 1, 2, 3 तो ठीक है, चौथे में SP3। बावले बेटा, क्या लिखा आपने पता है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्ची, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? 6 है बेटा प्रज्ञा। हाँ भाई, सोहेल, फर्स्ट में SP3, बहुत बढ़िया बेटा सोहेल। हाँ बालिका, करीना डूडी, डूडी साहब, समझ आ रहा है आपको? हाँ, यस सर, ओके बेटा, चलो। हाँ भाई, चलो सर, बहुत सारे जवाब मेरे पास आ गए हैं, इतने जवाब आ गए हैं कि चैट बॉक्स भरने को तैयार हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, चलो आपने हिम्मत करी, बहुत अच्छी बात है ये, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलो आ जाओ, देखो सर बच्चों, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है? आप लोगों के आंसर आप मैच कर लेना। यहाँ पर मैं बात करूं इसकी, नंबर वन तू क्या बोलेगा? यहां पर निकल, ध्यान से सुन लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये होता है D8। तो अपन क्या कह रहे हैं कि निकल जो है बेटा वो क्या है? D8। आपको याद होगा D8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया भी है, D8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है? 4 है, और वो भी 3D8 है। तो आपने याद होगा, आपने कहा था कि अगर WFL होता है तो SP3 होता है, और बेटा अगर SFL होता है तो DSP2 होता है, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? आजा इसकी बात करते हैं, तो क्या बोलेगा? चलो 3B हटा दो, ये लो खत्म कहानी, अपन क्या बोलेंगे? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? SP3। क्यों? क्योंकि लिगेंड क्या है? क्लोराइडो, करेक्ट है, करेक्ट है। आया आगे, यहां पर बात करते हैं बेटा, ये क्या है? 4D8, और ये क्या है? 5D8। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है? यहां पर लिगेंड कैसा है बच्चों? तुम्हारा WFL। लेकिन तुम एक बात जानते हो, मैंने VBT में भी लिखाया था, 4D और 5D के साथ सारे लिगेंड कैसे होते हैं? SFL। क्यों? क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर ये कैसा है बच्चा? SFL, और यहां भी कैसा है? SFL। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? DSP2। यानी कि पहला SP3, दूसरा तीसरा क्या है? DSP2। मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर हो गई होगी, बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो जिन बच्चों के आंसर ये थे वो बिल्कुल सही है। प्रज्ञा ने लिखा है फोर्थ में SP3D2। ओके बेटा, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, आयरन, आयरन जो है वो क्या है बच्चों? तो तुम क्या बोलोगे? D6। D6 के साथ ये लिगेंड कैसा है? WFL। तुम जानते हो WFL के साथ अगर ये होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? SP3D2, करेक्ट है। पांचवे में देखो भाई, ये है 4D और ये है बच्चा 5D।
यहां पर तुम जानते हो 4D और 5D के साथ सारे के सारे क्या होते हैं, SFL और SFL। तो तू क्या बोलेगा, 5 और 6, 5 और 6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2SP3। क्या आएगा, D2SP3। ये क्या है सर आपके आंसर्स है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिएगा सर, जल्दी कीजिएगा। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करो भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब है ना आपको थोड़ा सा और आगे इसमें एक और बात बताता हूं, इसमें आगे एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया करें ताकि आपको ना सर ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। देखो सर, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है, ठीक है, आपको भी बहुत काम आएगा, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। देखो सर, कोबाल्ट निकल कॉपर आपको याद होगा, कौन रहेगा इराक, याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे क्यों आगे आए, क्यों आगे आए, ये आपको याद है सबको। इसको आप बोलते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, इसका एटॉमिक नंबर 27, इसका होता है 28 और इसका होता है 29। आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रखा है। ये आएगा बेटा D7S2, ये 7, ये 2, ये D का इलेक्ट्रॉन, ये S का इलेक्ट्रॉन। जनरल लिख रहा हूँ D8S2, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, D10S1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सबको पता है ना। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इनके ऑक्सीडेशन नंबर से, इनके ऑक्सीडेशन नंबर से। बी केयरफुल, ध्यान से सुनना, मैं तीन बातें लिखूंगा, तीनों अपने आप में बहुत परफेक्ट क्वेश्चन बनती हैं। देखना, अपन क्या कह रहे हैं कि कोबाल्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। अभी मैंने क्या लिखा, अगर आपके पास D8 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ध्यान से सुनना, अगर बेटा WFL हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं पहले, और अगर बेटा sfl हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, dsp2, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट था। अब देखो यार, इसका d8 बन सकता है, लेकिन कोबाल्ट जो है वो +1 कभी नहीं बनाता, इसको भूल जाओ। अपन कह रहे हैं कि क्या रोडियम +1 बनाता है, यस सर। तो पहला पॉइंट, रोडियम का +1, अगर इसका +1 बनाओगे, इसका +1 बनाओगे तो क्या ये D8 हो जाएगा क्या, यस सर, करेक्ट है कंडीशन, को दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। इसके बाद पेलेडियम, अगर तू बेटा पेलेडियम का +2 बना दे, ध्यान से सुनना मैं जो लिख रहा हूं, पेलेडियम का +2 बना दे, इसका +2 बनाएगा तो तू क्या बोलेगा, क्या बचेगा, D8। बेटा Ag का +3 बना दे तो क्या बन जाएगा बेटा, तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसमें से 3 निकाल दो, क्या बच जाएगा, D8, चेक कर सकते हो। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर ये तीनों हो तो इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4D8। ये बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ो। देखो सर, बात करते हैं इरिडियम की, इरिडियम का +1 वो रहा, प्लैटिनम का +2 और गोल्ड का +3, ये तीनों होते हैं तो आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन आता है 5D8। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले लो, 4, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले लो, 4। अब देखो क्या क्या होने वाला है। तुम बोलोगे कि मास्टर ऊपर वाली सीरीज क्यों नहीं ली, तो बेटा इसका +1 नहीं होता, इसका +1 नहीं होता और इसका +3 नहीं होता, लेकिन इसका +2 होता है, इसका +1 नहीं होता, इसका +3 नहीं होता, लेकिन इसका +2 होता है, तो ये 3D8 लिख सकते हो, यानी कि तुम बात कर गए बेटा बातों बातों में किसकी, निकल +2 की। ये तीसरा एक्सप्रेशन, अब सुनो,
देखो सर, 4D के साथ सारे लिगेंड कैसे होते हैं? SFL। 5D के साथ सारे लिगेंड कैसे होते हैं बेटा? SFL। तो अपन क्या कहते हैं, ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कौन सा आएगा? DSP2। और यहां भी कौन सा आएगा? DSP2। क्लियर है? इसके बेस पे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताता हूं कहां पर पूछा था। स्क्रीनशॉट मारो, क्वेश्चन की बात करता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो क्वेश्चन की बात करता हूं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा इसको खींच के लें ताकि हम लोग जो है वो चीजों को निपटा दे बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दे बेटा इसका, फिर एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसकी मैं बात करता हूं। हो गया भाई? हो गया? चलो बहुत अच्छे बेटा, डन, बहुत अच्छा, शानदार काम किया आपने, चलते हैं। अब देखो सर, इसी को यूज करते हुए मैं यहां पर, चलो यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन, ताकि हमें दिक्कत ना हो, ताकि हमारे पास कंक्लूजन इधर पड़ा हो और हम उस पर क्वेश्चन को ट्राई कर लें। निकल की बात मैं कर चुका हूं, यहां पर दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन आपको बताने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दोनों NCERT के एग्जाम्पल हैं, AgF4-1। जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं दोनों NCERT के एग्जाम्पल हैं और एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, ठीक है, AgF4-1। दूसरा जो है वो RHCl PPH3 3। ये दोनों एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो आपको दिए गए हैं और आपसे ये पूछा है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जल्दी करें, आपके पास मात्र 50 सेकंड का टाइम है, 50 सेकंड में आपको बताना है। और सबसे बड़ी बात, आंसर जो है वो बोर्ड पे लिखा है, इसका आंसर जो है वो बोर्ड पे लिखा है। जल्दी से आंसर दे दे बेटा, जल्दी से आंसर दे दे। जल्दी से आंसर दे दें, जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फास्ट। 1 में DSP2, एक आंसर आया बेटा कविता करीना का, करीना डूडी, बहुत बढ़िया बेटा। एक और आंसर आया है प्रेम स्वामी, हाँ भाई करीना का आंसर है DSP2 और प्रेम का भी आंसर है DSP2, पहले में DSP2, ओके बेटा। सेकंड में, हाँ प्रज्ञा का आंसर है DSP2 फर्स्ट में, ओके बेटू, बहुत अच्छे। ये एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम और NCERT दोनों में बचा, ठीक है, हाँ हाँ भी दोनों में DSP2, बहुत अच्छे, दोनों में DSP2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ रहा, जल्दी करें, जल्दी करें, DSP2 बहुत, कविता ने लिखा है DSP2 बहुत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। हाँ भाई हो गया सबका, चलो बहुत अच्छे बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर, इसका सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, इसका सोल्यूशन जो है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो सर, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Ag का +3 है, मतलब 4D8 है बेटा, ये 4D8 है। तुम जानते हो ये लिगेंड कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, 4D का मतलब SFL ही है, SFL है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, DSP2। आ जाओ भाई, यहां पर रोडियम, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो कितना है, +1। रोडियम जब प्लस वन होता है बच्चा तो क्या आता है, 4D8। 4D8 के साथ सारे लिगेंड क्या होते हैं, SFL होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, DSP2। एक काम कीजिएगा, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स यहां पर लिखा गया है इसका नाम क्या होता बच्चों, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो यहां पर लिखा गया है इसका नाम क्या होता, जल्दी बता दो भाई, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नेम बता दो मेरे को, जल्दी करें, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नेम बताना है आपको। इसके नेम से क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूला नहीं था रे बच्चा, फॉर्मूला नहीं था, नेम से क्वेश्चन आया हुआ है, जब तुम शीट सोल्व कर रहे होंगे तो वहां पे तुम्हें मिलेगा। जल्दी बताएं भाई, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नेम, नेम ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स इज, हाँ भाई बोलो बच्चा, जल्दी बोले सेकंड कॉम्प्लेक्स का नेम क्या है, जल्दी बोले, वेट कर रहा हूं मैं। अरे बोलो रे,
सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम पतो है या ना पतो? अरे भाई तुम लोगों ने पतो है, ध्यान है तो बोल दो, नहीं है तो नो बोल दो यार, नहीं पता तो नहीं पता, कोई बड़ी बात थोड़ी, जल्दी बोलो। रहन दो यार, इतने में तो मैं तुम्हें बता ही देता। अरे वाह बेटा प्रज्ञा, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया बेटी। हाँ विल्किंसन्स कैटलिस्ट, बहुत अच्छी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसको क्या बोलते हैं? विल्किंसन्स कैटलिस्ट, विल्किंसन उत्प्रेरक, क्या बोलते हैं? विल्किंसन्स कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं बेटा, जिसको नहीं पता वो बता दिया है प्रज्ञा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत अच्छे। चलो भाई स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सर, हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। और उसमें बेटा लास्ट लेके चलता हूं, लास्ट पॉइंट लेके चलता हूं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार के कहानी को खत्म कर दो, लास्ट पॉइंट पे चलता हूं, जल्दी करें भाई, ठीक है। हो गया सबका? चलो चलो, जिसने नहीं लिया वो लेता रहे स्क्रीनशॉट, मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं। हाँ भाई, स्प्लिटिंग एनर्जी को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसमें लास्ट पॉइंट की बात करता हूं। नंबर फोर जो है वो क्या है, तो सुन लो, नंबर फोर है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यानी कि संकुलों की ज्यामिति जो है बेटा उसकी बात चल रही है, सुन लो रे। एक तो था स्क्वेयर प्लेनर, एक था ऑक्टाहेड्रल, और एक क्या था? टेट्राहेड्रल। याद आ रहा होगा, मैंने इनमें रिलेशन भी पढ़ाया था, रिलेशन को सर निकालने का तरीका भी बताया था, और यह भी बोला था कि गोटा मत मारना, याद मत करना, तोता की तरह रटना मत, तरीका बताया हुआ है। सबसे ज्यादा किसका आता है? स्क्वेयर प्लेनर का, उसके बाद कौन आता है? ऑक्टाहेड्रल, और सबसे कम कौन होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल। ये ऑर्डर याद रखना, जब कलर इन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाऊंगा, उस टाइम ये बहुत काम आने वाला है, तो चलिएगा अगले पॉइंट पर चलते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको दिया गया है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं और फटाफट मेरे को आंसर दे देना। NiCl4-2 और NiCN4-2, आपको बताना है कि इनका स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होगा। नंबर दूसरा, NiCl4-2 और NiCl6-4, आपको इनकी स्प्लिटिंग का ऑर्डर बताना है। दूसरा जो है वो क्या है? NiCN4-2 और यहां पर कौन है? NiCN6-4, आपको क्या बताना है? स्प्लिटिंग का ऑर्डर, तीनों में स्प्लिटिंग का ऑर्डर अपन बेटा चेक करते हैं, तीनों में स्प्लिटिंग का ऑर्डर जो है बच्चों हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट होना तो बताते चलियो भैया, ठीक है। मोबाइल सभी हाथ में लेके घूम रहा हूं मैं। हाँ, तीनों में स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बता दो भाई, तीनों में स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बता दो, जल्दी करें, देखें थोड़ा सा खींच के बता दें ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए बच्चों। हो गया क्या? एक जवाब आया है, फर्स्ट में NiCN4 का ज्यादा। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी करो, देखें थोड़ा सा ताकि हम लोग बढ़ते चले भाई। चलो भाई, फर्स्ट में सेकंड ज्यादा। ओके बेटा, फर्स्ट में सेकंड ज्यादा, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आ जाओ भाई, बात कर लेते हैं। चलो सबका आंसर सही है, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड,
और थर्ड में फर्स्ट। चलो बहुत बढ़िया बेटा, प्रदीप ने एक साथ ही सारे जवाब दे दिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, बाकी लोग भी देख लें। देखो सर, यहाँ पर क्या है, निकल प्लस टू है, यहाँ भी निकल प्लस टू है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, ये WFL है, ये SFL है, तुम जानते हो, ये SP3 है, ये DSP2 है। आप क्या बोलोगे, यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर है, ज़्यादा कौन होता है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चार, कोऑर्डिनेशन नंबर छः, यहाँ पर टेट्राहेड्रल और यहाँ पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ज़्यादा कौन, ऑक्टाहेड्रल। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, देखो ये निकल चुका है, पहले ही निकल चुका है, ये क्या है, तो आपने कहा कि सर ये ऑक्टाहेड्रल, ज़्यादा कौन, ये वाला। ठीक है सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट चेपो बच्चों, ये कहानी आपकी क्या होती है, स्प्लिटिंग की खत्म, स्प्लिटिंग एनर्जी की कहानी क्या होती है, खत्म। जल्दी से लपेट के खत्म कर दो, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चले भाई, हो गया सबका, चलो बहुत अच्छे बच्चा, डन सर। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ भाई, ये आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी को बच्चा जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको मैं निपटा चुका हूं, उनकी कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त टॉपिक आने वाला है। ठीक है, वो टॉपिक क्या है वो देखना, वो टॉपिक क्या है वो देखना, उसकी अपन बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग क्या है वो सुनना। अपन कह रहे हैं कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज यानी कि संकुलों का स्थायित्व है। बच्चों बात को समझना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, संकुलों का स्थायित्व है, बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, इस पर NCERT ने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, तो मैं उन्हीं बातों से वो लेकर चलता हूँ। ध्यान से सुनना, मेरे को है ना यार एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एक कॉम्प्लेक्स चाहिए और वो कॉम्प्लेक्स क्या है वो देखना। मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल फॉर चार्ज कितना है +2, ये कॉम्प्लेक्स मेरे को फॉर्म करना है। वैसे मैं स्टेबिलिटी की बात पहले भी कर चुका हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी मैंने बात करी थी कि सर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट, उसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ। ठीक है, आ जाओ इसकी बात करते हैं। तो सर ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसको हम इक्विलिब्रियम के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, आ जाओ, अपन क्या कहते हैं कि ये कॉपर +2 है, इसकी रिएक्शन एक NH3 के साथ कराई तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और क्या बनता है, CuNH3 और चार्ज कितना होता है +2। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या ले सकते हो, K1। दूसरा सुनना, ये जो आपका Cu, ध्यान से सुनना, ये जो CuNH3 है ये जो है अभी स्टेबल नहीं है, ये आगे NH3 के साथ रिएक्ट करता है और बेटा रिएक्ट करके क्या बना देता है, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है और कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। बेटा ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है तीसरी रिएक्शन में, तीसरे स्टेप में, ये क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बन जाता है और अगेन NH3 के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, तो आपने कहा कि CuNH3 होल थ्राइस चार्ज कितना है +2 और K3। तुम बोलोगे ये रिएक्शन कब तक चलेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, जब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जब तक स्टेबल रिएक्शन नहीं होगी, फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते चलेंगे और हम क्या कह देंगे, ये रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कॉपर प्लस टू की रिएक्शन जब NH3 के साथ करवाई जाती है, कॉपर प्लस टू की रिएक्शन NH3 के चार मोल के साथ करवाई जाती है, तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, इस पैटर्न पे कंप्लीट होता है। बेटा जब रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होता है तो अपन बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन की। बेटा ओवरऑल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट तो ये कौन है, रिएक्टेंट। क्लियर है, तेरे पास फाइनली हुआ क्या है, कॉपर प्लस टू है, कॉपर प्लस टू ने 1, 2, 3, 4 NH3 के साथ रिएक्शन करा है, आपको इसने क्या दिया है, तो आपने कहा कि CuNH3 होल फॉर चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +2। क्लियर है, ये मिला। अब सुनो भैया, ये फाइनल रिएक्शन है, तो मैं इसको बोल देता हूं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K नेट।
क्या है? केनेट। अब सुनो भैया, आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम जो होता है, अगर कई इक्विलिब्रियम को मिलाकर, कई रिएक्शंस को मिलाकर एक फाइनल रिएक्शन बनाई जाती है, उनको ऐड करके फाइनल रिएक्शन बनाई जाती है, तो आप क्या कहते हो कि सर आप लोगों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और क्यों होते हैं वो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को क्या है पता है, ये इसके फॉर्मेशन को बता रहा है, तो आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, के फॉर्मेशन। क्लियर है? अब सुनो भैया, अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट ये है तो अपन क्या कहते हैं कि आप लोगों का ध्यान से सुन लेना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको मैं क्या बोल दूं, के डी या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो क्या हो जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि आपके के फॉर्मेशन के क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। इस फॉर्मूला के बेस पे एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट और अनसॉल्वड क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंटेक्स्ट और अनसॉल्वड क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पैटर्न पे एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है? वहां से जाकर बस तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? ये होता है फैक्टर नंबर 1। ये क्या होता है? फैक्टर नंबर 1 क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट। और इसको मैं पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने इसको फटाफट से लपेट दिया। नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट मार ले, स्क्रीनशॉट मारे फटाफट, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारे, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारे, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, क्योंकि क्लास ओवर होने तक इसको निपटाना है भाई, क्लास ओवर होने तक इसको निपटाना है, क्लास ओवर होने तक इसको निपटाना है। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, हो गया हो तो सिग्नल दे दें भाई कि डन, मास्टर जी डन, डन डना डन, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ सर, अब आपको लेके चलता हूं सर सबसे खास चीज पर, अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं। देखो सर, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन का सत्यानाश कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का सत्यानाश कर देते हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो पहले जेई में आया था, और जेई में आने के बाद आप लोगों के मेडिकल में आया था, ठीक है, लेकिन अपन उसको समझने में थोड़ी सी गलती करते हैं, तो वो गलती हम यहां पर नहीं होने देंगे और अपन उसी की बात करेंगे। सुनना, अपन क्या कहने वाले हैं, ध्यान से सुनना, जो समझा रहा हूं, जितना पढ़ाया है ना उसी को मिलाकर कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो आप लोग क्या कहते हो कि किसी भी रिएक्शन की स्टेबिलिटी, कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए आप लोग यूज करते हो किसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को यूज करते हो। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन आप लोग यूज करते हो, ठीक है। आप लोग कहते हो कि इस रिएक्शन में अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है, इस रिएक्शन में अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब वहां पर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात आपको सबको पता है, इक्विलिब्रियम में आपने बहुत ढंग से पढ़ी होगी, है ना। तो चलिएगा हम बात करते हैं, पहला पॉइंट डेल्टा एच, डेल्टा एच की बात करता हूं भैया, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी, और रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसे होगा, तो अपन कहते हैं कि यहां पर किससे आता है, ये आता है बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन से, किससे आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन से, यानी कि बंध निर्माण से चेंज इन एंथैल्पी होता है, ठीक है। अब दूसरी बात सुनना, तुम जानते हो कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर, बॉन्ड फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। आ जाओ अब देखो यार, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा, तो तुम एक बात जानते हो, मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा था कि सीएफएससी जो होता है, अगर किसी का सीएफएससी आपको पता है तो आप उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो। मैंने कहा था सीएफएससी का मतलब क्या होता है कि सर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में स्प्लिटिंग से जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है, मतलब जो निकल गया, उस एनर्जी को बोलते हैं सीएफएससी। और जिसका सीएफएससी ज्यादा होता है, जिसका सीएफएससी ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों? सीएफएससी का मतलब रिलीज्ड एनर्जी। आ जाओ तो अपन यहां पर कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन को किसके द्वारा बताओगे, सीएफएससी, किसे, सीएफएससी। सुनते जाना स्टेप बाय स्टेप, देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करते हो, तो तुम कहते हो कि सर हम सीएफएससी को बताने के लिए काम में लेते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को,
याद आया फॉर्मूला? फॉर्मूला याद आया ओक्टाहेड्रल वाला? ओक्टाहेड्रल वाला फॉर्मूला क्या था? तो तूने कहा था माइनस का 0.44 इंटू एन टी टू जी इंटू डेल्टा ओ प्लस 0.6 एन ई जी इंटू डेल्टा डेल्टा ओ प्लस एक्स पेयर, याद आया वही वाला फॉर्मूला। तो वहां पर अपन क्या कहते हैं, सी एफ एस सी पर डिपेंड करता है। और सी एफ एस सी किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा पर, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी पर। और स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। तो आ जाओ, कौन कौन से? नंबर वन, जो सी एफ एस सी को अफेक्ट करेगा, जो स्प्लिटिंग को अफेक्ट करेगा वो सी एफ एस सी को अफेक्ट करेगा, जो सी एफ एस सी को अफेक्ट करेगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा वो डेल्टा एच को भी करेगा। भाई वो डेल्टा एच को भी करेगा। आ जा, पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन सी एम आई। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तीसरा याद आ रहा होगा क्या बोला था, जेड इफेक्टिव। चौथा क्या था रे, एसपी ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेन या टेट्राहेड्रल। ये फैक्टर्स होते हैं। हाँ भाई, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात बच्चों को सबको क्लियर है? ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे ना कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं चेक कर लूंगा अभी दो मिनट में। आ जाओ, बीच में देखते हुए भी चल रहा हूं उनको मैं, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना। इतना सबको क्लियर होगा। अब आ जाओ, लाइन गलत खींच दी, लाइन को हटा देते हैं, लाइन की जरूरत नहीं है, आज बिना लाइन के चलेंगे भाई। आ जाओ, इसकी बात करता हूं, डेल्टा एच की बात करता हूं, चेंज इन एंट्रोपी की बात करता हूं। तुम बोलोगे मास्टर टेम्परेचर की बात क्यों नहीं कर रहा? रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, सारी कहानी कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर होती है। आ जाओ भैया, डेल्टा एस की बात करता हूँ, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी में चेंज किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक पॉइंट आता है चिलेशन। किस पर डिपेंड करता है? चिलेशन, याद आ रहा होगा आपको बताया हुआ है चिलेशन पर कैसे डिपेंड करता है, चिलेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अरे हाँ या ना, चिलेशन का मतलब हमने पहले से देख रखा है क्या होता है। चिलेशन का मतलब क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन बच्चा, क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन यानी कि वलय का निर्माण। तुम जानते हो कि अगर रिंग फॉर्मेशन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो क्या मैं ऐसा कह दूंगा कि एज चिलेशन बढ़ता है तो तुम क्या कहते हो, तेरा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, बढ़ता है। चिलेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। क्या मैं ये कह दूंगा चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग्स, यानी कि वलय की संख्या के क्या आता है, समानुपाती। वलय की संख्या के क्या आता है, समानुपाती। जितने ज्यादा रिंग बनते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। लेकिन पंगा होएगा भी, देखो कैसे अपन कहते हैं, इफ नंबर ऑफ रिंग्स आर सेम। अब मान लो किसी में रिंग ही सेम बन रहे हैं, सारे रिंग का नंबर क्या है, सेम है। ध्यान से सुनना, कहीं पर अगर चिलेशन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। चिलेशन जो है वो नंबर ऑफ रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या मैं कह दूं कि स्टेबिलिटी जो है, चिलेशन से बढ़िया मैं यहां पर स्टेबिलिटी की बात कर लेता हूं, कि स्टेबिलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ रिंग के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चिलेशन तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अब अपन क्या करें कि मान लो नंबर ऑफ रिंग क्या है, सेम। किसी कोई है कॉम्प्लेक्स जिसमें तीन तीन रिंग बन रही है, अब वहां पर क्या चेक करेंगे वो सुन लो। अगर रिंग का नंबर सेम है तो अपन क्या कहते हैं, ऐसे केस में जो स्टेबिलिटी होती है, ध्यान से सुन ले ना रे, स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग। रिंग में जितने ज्यादा एटम उतना ज्यादा स्टेबल। क्यों? तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, छह मेंबर, सात मेंबर, आठ मेंबर रिंग आपने पढ़े होंगे। रिंग में अगर एटम ज्यादा होते हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ऐसा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुमने कहां पर पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये पॉइंट होते हैं जो आप लोगों के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बेटा अफेक्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट चेपो जल्दी करें। इन सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा भाई, ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन इनकी बात मैं करूंगा।
स्क्रीनशॉट लेके डन बोल देना बेटा, डन, बहुत बढ़िया, जल्दी से डन डना डन करके खत्म कर दो, एग्जाम्पल की बात करके बात को खत्म करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है, अब हम लोग है ना इन्हीं चीज़ों को यूज करते हुए ना कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं, अब इन्हीं चीज़ों को यूज करते हुए हम कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है सर। अब देखना, एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ, एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखना भाई, कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे और फिर हम लोग उस चीज को खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी। एग्जाम्पल सुनना भाई, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NI NS3 हॉल 6 चार जोन कॉम्प्लेक्स इज +2। ये कॉम्प्लेक्स है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक लिगेंड लेके आता हूँ। लिगेंड कौन है? EN। EN को सब जानते हैं, EN का मतलब होता है एथाइलिन डाई एमाइन। NS3 एमाइन है, ये जो है वो कैसा है तो आपने कहा मोनो। ये कैसा है बेटा? बाई। एक बाई दो मोनो को ले उड़ता है तो टोटल मोनो बाई कितने चाहिएंगे? 3। जब ये रिएक्शन होएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NIEN होल थ्राइस चार जोन कॉम्प्लेक्स इज +2 +6NH3, ठीक है सर। ये आपको मिला, अब सुनो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा एच की। अगर बेटा मैं डेल्टा एच की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? देखो सर, यहां पर चिलेशन हुआ है। अगर बेटा चिलेशन हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। चिलेशन हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चिलेशन से सिस्टम एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा, तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। पहला पॉइंट सबको क्लियर है। दूसरा पॉइंट सुनना बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर देखो सर, यहां पर 6 और 1 7, यहां पर देखो 3 और 1 4, 7 माइनस 4 कितना आ रहा है? 3। मेरे हिसाब से ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी कैसा है? पॉजिटिव। यहां पर सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तू क्या कहता है? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। और डेल्टा एस का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। तो जानता है कि ये इक्वेशन क्या होने वाला है, डेल्टा माइनस का डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस, माइनस और माइनस का सिस्टम है तो डेल्टा जी जो है वो कैसा होएगा? नेगेटिव। तो अपन क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस कैसा आ जाता है बच्चा? स्पॉन्टेनियस, यानी कि कैसा हो जाता है? स्वतः है। बात पल्ले पड़ गई नोट करें, स्क्रीनशॉट मारें, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें और आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार के खत्म कर दो, डन डना डन बोल के कहानी को निपटा दो, जल्दी बोल देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे बढ़ लेंगे, जल्दी करो। हो गया भाई, चलो अब देखो सर, अब एक और बात मैं बताने वाला हूं। यहां पर बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है सर। ये आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक और बात, बच्चे जो है वो कई बार कई चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। स्टेबिलिटी जो है ना उसमें जो है वो एग्जामिनर उन्हीं चीजों को पकड़ता है जो चीजें हम लोग जनरली मिस करके चलते हैं,
उन्हीं चीजों को एग्जामिनर पकड़ के खत्म करता है। क्यों? एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को पता है भाई उसकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, एक्सपीरियंस है उसको, उसको ये पता है कि बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, ठीक है, बच्चा कितनी सब चीजें समझ सकता है, कहाँ गलती कर सकता है। तो वो हमेशा क्या करता है, छोटी सी बात पकड़ के क्वेश्चन को गलत करवा देता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एक पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर हमारे साथ क्या खेल खेल चुका है पहले और आगे भी खेल सकता है ना। तो इन चीजों को अपन ध्यान में रखेंगे। इसके हम बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सेम सीएमआई, एक ही सीएमआई है उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी में कैसे चेक होता है, स्टेबिलिटी में कैसे चेक होता है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन नहीं होगा। देखो सर, जैसे मैं लिगेंड ले लेता हूं सीएन माइनस NH3, H2O, एथाइलिन डाइएमाइन और ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो ये ले लेता हूं बेटा, ये लिगेंड है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपसे नहीं पूछूंगा, मैं ही बता देता हूं क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर ऐसी चीजों में, ध्यान से सुनना, इसको 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 और इसको, अगर बेटा आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स चेक करना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे तुम जेई का क्वेश्चन लगा लेना, जेई एडवांस का क्वेश्चन लगा लेना, सही हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी चेक करना हो तो तुम्हें है ना बेटा सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि लिगेंड स्ट्रोंग है या वीक है, ठीक है, चिलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद चिलेशन में रिंग कितने बने, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एनर्जी कितना निकला, ठीक है, वो डेल्टा ओ ज्यादा है, डेल्टा ज्यादा है या कम है, चार्ज कैसा है, ऐसे करके बम्बार्ड खड़ा कर देता है वो। इतनी सारी चीजें जब दिमाग में आती है तो कचरा होना लाजमी है। आ जाओ सर यहां पर अपन बात करते हैं, जब भी आपको स्टेबिलिटी देखना हो ना, एक ही एटम है, एक ही सीएमआई है, एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, अगर तुम्हें स्टेबिलिटी देखना है तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनाता है, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनाता है कार्बन डोनर। सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं देखना, ना लिगेंड देखना, अगर सीएमआई सेम है ना तो सबसे पहले क्या देख लो कि कार्बन डोनर है या नहीं है। अगर किसी के पास कार्बन डोनर है तो आंख बंद करके बता देना सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी डोनर एबिलिटी भयंकर खतरनाक होती है, भयंकर स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबका बाप होता है, ठीक है। आओ इसके बाद तुम क्या देखोगे, इसके बाद समस्या फिर खड़ी हो जाती है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ देखूं या चिलेशन देखूं, क्या देखूं, कुछ नहीं, सीधा सा पॉइंट याद रखना, चिलेशन, क्या देखोगे, चिलेशन, चिलेशन देखोगे, लिगेंड की स्ट्रेंथ मत देखना, लिगेंड की स्ट्रेंथ लास्ट ऑप्शन होता है भैया, ठीक है, चिलेशन देखना, और सबसे लास्ट में क्या देखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्वेश्चन करने में कभी मार नहीं खाओगे, क्वेश्चन करने में कभी मार नहीं खाओगे, हो सकता है गलती करवा ले, अब नहीं करोगे, अब नहीं करोगे। आयो देखो सर, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ओहो चीलेशन, चीलेशन दोनों में चीलेशन है, इसको मार कर दो, काम की चीज है, चीलेशन है यहां पर, दोनों में है, दोनों में है भैया, दोनों में है। आयो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोनो है, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कार्बन डोनर पहला प्रायोरिटी इसको मिलेगा, पहला प्रायोरिटी इसको मिलेगा, इसी पर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अगली बात सुन, अब देखो सर क्या देखोगे, कार्बन डोनर का खेल खत्म, चिलेशन देखोगे, इन दोनों में चिलेशन है, इन दोनों में चिलेशन है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर है, यहां पर ऑक्सीजन डोनर है, तो दूसरा प्रायोरिटी इसका और तीसरा प्रायोरिटी इसका, समझ में आ रही होगी बात। अब बचा क्या, चिलेशन खत्म हो गया भैया, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे आ जाओ, ये नाइट्रोजन डोनर, ये ऑक्सीजन डोनर, ये नंबर चार, ये नंबर पांच, स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बताओ।
जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो और कोई भी डाउट लगे तो मेरे को बता दो। जल्दी करें बच्चा। जल्दी से लपेट दो भाई। हो गया भाई सबका? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सर, डन डना डन स्क्रीनशॉट। क्या बात है, हमारा प्रदीप जो है वो डेली नए नए तरीके से जवाब देता है। बहुत बढ़िया सर। चलो सर, ये सारे फैक्टर बेटा मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे फैक्टर्स मैंने क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं बोर्ड पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप लोगों को उन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है भैया ना। क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो फटाफट मेरे को बताते चलना स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना भाई, वो भी बीच में लिखूंगा मैं, तो मैं बता दूंगा कि ये एग्जाम में आया हुआ है ना। चलो आ जाओ भैया, पहला नंबर, नंबर वन, ये रहा एफ ई सी एन होल सिक्स माइनस फोर, एफ ई सी एन होल सिक्स माइनस थ्री, पहला। नंबर दूसरा, बढ़ाते चलो भाई फटाफट से। फिर रूठा, फिर रूठा ओसो, फिर रूठा ओसो, स्टेबिलिटी बता दो। नंबर तीन एन आई सी एल सिक्स माइनस ओहो माइनस फोर, एन आई एच टू ओ हॉल सिक्स प्लस टू, एन आई एन एच थ्री हॉल सिक्स प्लस टू, एन आई सी एन हॉल सिक्स माइनस फोर। आह लो जी, नंबर फोर। चलो भैया, एफ ई एन एच थ्री हॉल सिक्स चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज प्लस टू, ठीक है। एफ ई सी टू ओ फोर होल थ्री, यह हो गया माइनस गो सिक्स प्लस गो सिक्स प्लस गो सिक्स, तो माइनस का फोर तो आ गया प्लस का टू। आय हाय, आ जाओ रे एडीटी, आह लव, बनाते चलो। लिखो जल्दी लिखो, पानी पी लेता हूँ मैं इतने में। तुम लिखो। कितने को गए रे? चार। चलो एक और लिख देता हूं, ये वाला बच्चा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एफ ई सी टू ओ फोर ऑल थ्राइस माइनस थ्री और एफ ई सी एन हॉल सिक्स माइनस थ्री, ठीक है। इन दोनों का स्टेबिलिटी पूछा था एग्जामिनर ने जेई में और उसके बाद मेडिकल में, ठीक है। फिटाफिट से नोट कर लो, अपन आगे बढ़ते हैं। बस अब खत्म है टॉपिक ये, कल अपन बात करेंगे कलर की। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फटाफट से आंसर देते चलें। आंसर नहीं भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें बेटा, मज़ा आएगा, कोशिश करें मज़ा आएगा। हो गया होगा, हो गया
हो गया। शाहरुख ने लिखा है सभी में बढ़ता हुआ। प्रदीप ने लिखा है ठीक है, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चल आ जाओ, सबसे पहले जो बदला है उसको बदल दो। चार्ज प्लस टू, चार्ज प्लस थ्री, जितना ज्यादा चार्ज। आ जाओ, 3D 4D 5D, आहा आहा, लो जी सर हो गया। दत्तरीगी, ओहो, क्लोराइड हाइड्रो, देखो रे देखो रे, समझ गए होंगे, लिगेंड का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, मोनोडेंटेट है। ये देखो सर, नाइट्रोजन डोनर, चिलेशन और चिलेशन, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। आ जाओ सारे, इसमें देखो भैया, कार्बन डोनर, इसको लिख देता हूं कार्बन डोनर, कार्बन डोनर, और यहां पर क्या है, चिलेशन, यहां पर क्या है, चिलेशन। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं भाई, पहले पढ़ा के बताया है, देख लो, किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो और स्क्रीनशॉट मारो। खत्म करते हैं इसको जल्दी से, दो तीन पॉइंट और बताने फिर इसका खेल खत्म है बच्चा, जल्दी करें भाई, स्क्रीनशॉट मारें फटाफट। हाँ भाई, शाहरुख ने लिखा है 500 में डिक्रीजिंग, नहीं बेटा इंक्रीजिंग है, 1 2 3 इंक्रीजिंग। प्रज्ञा ने लिखा 1 2 3 इंक्रीजिंग, बिल्कुल बेटा सही बात है। करीना, फिफ्थ में सेकंड का ज्यादा होगा, बिल्कुल बेटा करीना सही बात है आपकी, ठीक है। शाहरुख ने लिखा है सभी में इंक्रीजिंग, केवल 5 में डिक्रीजिंग, नहीं बेटा 5 में भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट लेस देन सेकंड, हाँ भाई सबको क्लियर है बच्चा, अरे बोल बच्चा सबको क्लियर है, क्लियर, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आगे बढ़ता भाई, यस सर। चलो भैया लास्ट पॉइंट, आ जाओ लास्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं, स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी में लास्ट पॉइंट पर लेकर चलते हैं भैया, बहुत मजेदार स्टेबिलिटी है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इजी वे में क्लियर हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इजी वे में क्लियर हो जाते हैं। चलो भैया लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और खत्म कर देंगे। इरविंग, विलियमसन, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इरविंग विलियमसन स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, बंदों के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने एक ऑर्डर बनाया था, मैग्नीज प्लस टू, आयरन प्लस टू, मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, तुम जानते हो, इधर से इधर जाओगे साइज क्या होता जाएगा कम, स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा ज्यादा, सबको पता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉपर का ज्यादा होगा, ठीक है सर, ये कहानी होती है इसकी। चलो लास्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शंस है सीरियम, लेंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटिशियम, याद आ रहा होगा, 4F सीरीज, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ रे तुम यबलू, याद आ रहा होगा, पढ़ाया हुआ है। चलो बताओ सर क्वेश्चन का आंसर, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, जल्दी बोलो, सब पे चार्ज सेम है, सब पे चार्ज सेम है, तो अपन क्या कहते हैं कि 4F सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता जाता है, ये जो होता है बेटा इसका साइज क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज, साइज सबसे छोटा तो मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, क्लियर है सर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, खेल खत्म है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, खेल खत्म है, ठीक है सर। हाँ अब सुन लो भैया, कल के लेक्चर में ये कहानी खत्म हो गई है, कल के लेक्चर में मैं बात करूंगा
कलर इन कॉम्प्लेक्सेज, कॉम्प्लेक्सेज में कलर का क्या क्या रीजन होता है उस पर बात करूंगा। उसके बाद जो है मेरे पास दो टॉपिक बचते हैं छोटे छोटे, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेज और सेकंड जो बचता है वो होता है आइसोमेरिज्म। दोनों ही टॉपिक बहुत गजब के हैं, दोनों ही टॉपिक पर बात करेंगे। अब सुन लो सारे लोग जो है, एक काम करना, टेलीग्राम पर मैंने IUPAC नेमिंग जो है उसके जो रूल्स होते हैं उनका हिंदी और इंग्लिश में DPP छोड़ा हुआ है, उसमें एग्जाम्पल्स भी अलग से दूसरे DPP में दे रखे हैं, तो वहाँ से जाके वो DPP कलेक्ट कर लेना और कल के लेक्चर में वो DPP जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मैं जो रूल्स बताऊंगा वो रूल्स उस DPP में लिखे हुए हैं, मैं वर्बली बता दूंगा और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है बेटा, इन सारे एग्जाम्पल्स की अपन बात